हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका यूसीएल सेंटर बंद हो गया है या ब्लैकलिस्ट हो गया है 1 ईयर के लिए, 6 मंथ के लिए, तो दोबारा से कैसे एक्टिवेट होगा। यहां पे हम एक कॉमन सर्विस सेंटर पे आ गए हैं। ये नौशाद भाई का कॉमन सर्विस सेंटर है और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आधार सेवा केंद्र लिखा भी है। और इनका यूसीएल सेंटर 1 साल के लिए बंद हो गया था। इन्हीं से चल के पूछते हैं सारी बातें डिटेल में, लाइव आपको बताते हैं कि कैसे इन्होंने दोबारा से अपना यूसीएल सेंटर एक्टिवेट करवाया और दोबारा से इनका क्रेडेंशियल बन करके आया। तो आइए चलते हैं सीधे नौशाद भाई से बात करेंगे। गाइस, आप हमारे नौशाद भाई हैं। नौशाद भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आपका यूसीएल सेंटर हमारे यूसीएल सेंटर के साथ ही स्टार्ट हुआ था और आपका जो यूसीएल सेंटर था, आधार अपडेशन सेंटर, ये इनका जनवरी 2022 में बंद कर दिया गया था और 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। जाने क्यों सस्पेंड किया गया इनको पता भी नहीं चला। हो सकता है कि डॉक्यूमेंट बेस पे बंद कर दिया गया हो। बहरहाल 1 साल के लिए इनकी मशीन सस्पेंड की गई थी और दोबारा से इनका फरवरी से यानी मार्च के बीच इनका मशीन स्टार्ट हो गया है और दोबारा ये काम करना स्टार्ट कर पाए हैं 2023 में। यानी 1 साल कंप्लीट होने के बाद जब इनका फाउंडेशन खत्म हुआ, सस्पेंशन पीरियड खत्म हो गया, उसके बाद एक बार फिर से इन्होंने एक्टिवेट करवा लिया है। लेकिन इन्होंने क्या क्या प्रक्रिया किया, कैसे इनकी मशीन दोबारा से एक्टिवेट हुई है, ये हम नौशाद भाई से ही डायरेक्टली जानेंगे। नौशाद भाई, जब आपका मशीन बंद हुआ, दोबारा से स्टार्ट कराना हुआ, तो क्या आपने स्टेट टीम को कांटेक्ट किया, उसी क्रेडेंशियल पे दोबारा से मशीन एक्टिवेट हो गई या दोबारा से कंसल्ट फॉर्म भरना पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। मैंने रश्मि मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कंसेंट फॉर्म भर के दीजिए और दोबारा आपका क्रेडेंशियल बनेगा। मैंने कंसेंट फॉर्म भर के दिया और कुछ समय लगा, कुछ प्रोसेस था, मतलब करीब 1 महीने। आपने जनवरी तक तो आपका 1 साल पूरा हुआ, उसके बाद से फरवरी में आपने दोबारा से कंसेंट फॉर्म भर दिया, रश्मि मैम को आपने भेज दिया, यानी कि स्टेट टीम को आपने भेज दिया और उन्होंने संभवतः यूआईडीआई को भेज दिया होगा और दोबारा से आपका क्रेडेंशियल बन करके आ गया और उसके बाद आपकी मशीन एक बार फिर से रजिस्टर की गई है या नहीं? मेरी तस्वीर मशीन दोबारा रजिस्टर हुई है। मशीन दोबारा से रजिस्टर करनी पड़ी है और L2 प्रोसेस भी दोबारा हुआ है या? L2 पूरी प्रक्रिया दोबारा हुई है। यानी कि यूं कहें कि आपको एक तरीके से नया यूसीएल सेंटर दिया गया है और जो आपका नामांकन था पिछले साल वाला वो सभी खत्म हो गया होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ होगा नामांकन आपका, तो इस तरह से आप दोबारा से काम करना स्टार्ट कर पाए। अभी तक आप काफी अच्छा नामांकन भी कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपका लैपटॉप यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ठीक ठाक काम कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर भी आ रहे हैं। और तो गाइस, देखा आपने इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस जब आप करेंगे तो आपका भी यूसीएल सेंटर जो सस्पेंशन में है, जो बंद पड़ा है, दोबारा से एक्टिवेट किया जाएगा। यानी आपको ये समझ लेना है कि एक बार पुनः आपको कंसल्ट फॉर्म भर के भेजना है अपने स्टेट टीम को, फिर आपके स्टेट टीम आपके कंसल्ट फॉर्म को यूआईडीआई को भेजेंगे और उसके बाद पुनः आपकी मशीन रजिस्टर की जाएगी, L2 प्रोसेस में जाएगा, तब जाकर के आप दोबारा से यूसीएल पर काम कर पाएंगे। गाइस, अगर आपका सस्पेंशन टाइमिंग पूरा हो गया है, यानी कि जो आपका अधिकतर इनके ब्लैकलिस्ट हुआ था वो टाइम पूरा हो गया है, तो आपकी मशीन दोबारा से एक्टिवेट की जा सकती है। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।